हेलो गाइज इज़ जसफी रर्शी वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज मेरे एक और वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ कल की वीडियो में मैंने आपको ये बात इन्फॉर्म की थी कि हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मॉडल फ्रेमवर्क वर्क पढ़ने जा रहे हैं और उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे तो मैं मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट ये थी कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप नोट्स बनाइए नोट्स बनाने से ये होगा कि जब भी आप उन नोट्स को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी द कीब मैकम्बर एक ऐसा बंदा है जैसे 1991 लाइक ट्वेंटी सॉरी थर्टी टू ईयर्स बैक एक ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करने के लिए कि वो अपना डेटा uh, जो है रेलेवेंट uh, फैक्टर्स के ऊपर किस तरह से डिज़ाइन कर सकती हैं डायमेंशनस क्या डायमेंशन सिक्योरिटी के वो ले सकती हैं uh, उसने एक मैकम्बर क्यूब के नाम से एक मॉडल फ्रेमवर्क uh, बना के वो ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड किया जिसके जो डायमेंशनस थी जिसकी आप कह लें कि एट्रीब्यूट्स उसके क्या हैं तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ तीन सेंटेंसेस लिखे हैं फर्स्ट जो कि लिखा है द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स फॉर प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम नाम दे सकते हैं डिजायर्ड गोल्स का राइट right? क्योंकि जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स होते हैं प्रोटेक्ट uh, करने के लिए इनफॉमेसन सिस्टम को वही तो हमारा गोल है ना कि हम किस तरह से इन्फॉर्मेशन uh, को प्रोटेक्ट uh, कर सकें सेकेंडली द प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ईच ऑफ इट्स पॉसिबल स्टेट इन्फॉर्मेशन किन स्टेट्स पे है uh, उसको हम जो बेसिकली uh, प्रोटेक्ट करेंगे या इन्फॉर्मेशन किस किस स्टेट्स पे प्रोटेक्ट करनी चाहिए वो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे तो हम इसको इन्फॉमेशन स्टेट्स का भी नाम दे सकते हैं तो नंबर थ्री इज़ द सिक्योरिटी मेजर्स यूज टू प्रोटेक्ट डेटा कि सेफ गार्ड किस तरह करना है हमने डेटा को सो लेट्स गो एंड लुक इट मोर क्लोजली बट उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आ, ये जो उसने तीन एट्रीब्यूट्स दिए हैं रमेंशन दी हैं इसको इसने क्यूब की डायग्राम में बहुत वेल well डिफाइन किया है क्यूब को कि वन साइड इज डिज़ायर्ड गोल्ड वन साइड इज इंफॉर्मेशन स्टेट एंड द अदर साइड तो हम गोल्स में फर्स्ट डिजायर्ड गोल की तरफ चलते हैं दैट इज कॉन्फिडेंशलिटी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसकी बात करूँ तो अश्योरेंस डेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट इंटेंशनली और एक्सीडेंटली डिस्कलोज टू अनऑथराइज इंडिविजुअल सिंपल बात ये यह, यहाँ ये यह कर रहा है कि यहाँ पर इस चीज़ की अश्योरेंस होनी चाहिए इस चीज़ की लाजमी एश्योरेंस होनी चाहिए कि आपका जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी अनऑथराइज इंडिविजुअल को नहीं दी जा सकती चाहे इंटेंशनली चाहे एक्सीडेंटली ओके सो द नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी तो इंटीग्रिटी में सिंपल वर्ड्स में क्या कहा जा रहा है एश्योरेंस दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट इंटेंशनली और एक्सीडेंटली मॉडिफाइड इन सच अ वे एस टू कॉल इंड टू क्वेश्चन इट्स रिलाइबिलिटी और मज़ीद सिंपल वर्ड्स में ये बता देती हूँ कि इंटीग्रिटी में आप एक्सडेंटली uh, या अन इंटेंशनली uh, और इंटेंशनली उस डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता है ठीक है एंड द नंबर थर्ड इज़ अवेलेबिलिटी अवेलेबलिटी इंश्योरिंग दैट ऑथोराइज इंडिविजुअल्स है timely एंड reliable एक्सेस टू डेटा एंड अदर resources when नीडेड यानी कि सिर्फ कुछ ही ऑथराइज लोग ऐसे होने चाहिए जिनके पास ट्वेंटी फोर सेवन उसका एक्सेस होना चाहिए और जिसके जिसको ज़रूरत नहीं है उसके पास उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए सिर्फ उसी टाइम पे होना चाहिए जब उसको रिक्वायर्ड हो इसी तरह हम देखते हैं कि वाट आर द थ्री मेन स्टेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन राइट सो द फोर्स वन इज़ प्रोसेसिंग राइट परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन डेटा इन ऑर्डर टू अचीव अ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट कुछ भी ऐसा uh, आप इम्प्लीमेंट uh, रहे हो कुछ भी ऑपरेशन ऐसा परफॉर्म कर रहे हो डेटा के ऊपर जो आपको आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव चाहिए डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव चाहने की वजह से आपने उसके अंदर जो भी चीज़ें एडिट की हैं मैं की हैं तो वो आप कर सकते हो दैट इज़ अ नेक्स्ट साइड ऑफ द क्यूब राइट

इसको डेटा एंड ट्रांजट भी कहते हैं और ट्रांसमिशन बेसिकली कहते हैं कि इसको है जब आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा अपना ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उस वहाँ पे कोई लीकेज उस नेटवर्क में उस कनेक्शन में सॉरी कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका डेटा बाहर निकल सके या लीक हो सके नाउ वी विल सी वॉट आर द थ्री थिंग्स विच सेव गार्ड्स द डेटा सो द फर्स्ट वन इज़ अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम और वी कैन से इट लाइक ह्यूमन फैक्टर्स हम इंश्योर करना चाहिए दैट द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो भी यूज़ करें ना इंफॉर्मेशन सिस्टम अवेयर हो अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से किस चीज़ के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग ठीक है और इतने कैपेबल ह्यूमन एम्प्लॉज हों सॉरी ह्यूमन एम्प्लाई ह्यूमन फैक्टर हो कि वो फॉलो कर सकें स्टैंडर्ड्स को जो भी बनाए गए स्टैंडर्ड्स हैं अब हम बात करेंगे तो सेकंड थिंग uh, जो आपको आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत मैंडेट्री है दैट इज़ टेक्नोलॉजी तो ये अमर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हुए आप सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस बनाओ लाइक एंटी वायरस फायर जो आज की दुनिया में बन चुके हैं डिटेक्शन सिस्टम्स वगैरह कि आप डिटेक्ट uh, कर सको कि कहीं आपका कोई पंगा तो नहीं होने वाला है राइट right? आपका कहीं आप आपके ऊपर कोई हैकर अटैक तो नहीं करने वाला है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस किसी लिंक पर क्लिक करोगे तो किस आपका डाटा लो सारा गया तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा कि आपको टेक्नोलॉजी जो क्यूब का एट्थ पार्ट है इसको और उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी होना चाहिए राइट उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा नाइन्थ पार्ट क्या है सो द नाइन्थ पार्ट इज पॉलिसी एंड प्रैक्टिस और पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स भी बोल सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ऐसे कंट्रोल्स बनाओ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स बनाओ मैनेजमेंट को डायरेक्ट करो कि किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है प्रोवाइड करो एक फाउंडेशन इंफॉर्मेशन अश्योरेंस की जो कि इम्प्लीमेंट कर सको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और दोस्तों यही वो चीज़ है जिसको ऑपरेशंस कहा जाता है सो so, आज का लेसन मैं यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ आज आप लोगों ने पूरा एक मॉडल फ्रेमवर्क पढ़ा जिसको हम मैकम्बर क्यूब कहते हैं क्योंकि ये मैकम्बर भाई साहब ने सजेस्ट की थी विच इज़ एक्चुअली फॉलोइंग इन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इसके बाद हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो उससे थोड़ी डिफरेंट है इसी वजह से ये वीडियो भी मैं यहीं पॉज कर रही हूँ और एज यू वाइज नो कि आप लोगों का रिस्पॉन्स माशा मुझे बहुत पसंद आया कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा लाइक किया और इतना अच्छा मेरी वीडियोस देखी सब्सक्राइब किया और ये कोर्स फॉलो कर रहे हैं यकीन हैं आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड द थिंग इज़ कि ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ और इन कल मिलूँगी आपको नई वीडियो के साथ